आपका जब आप पीछे करके देखते हैं आप पिछले पाँच छह साल से आपका जो एक जर्नी है हाउ डज इट फील कैसा लगता है आ, पहले तो मतलब मैंने सोचा था कि मैं इतना आगे जा नहीं पाऊंगी मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में सिंगर्स को देखा गाना गाते हुए जैसे कोक स्टूडियो हो गया और भी प्लेटफॉर्म्स हैं तो मेरी ख्वाहिश थी तो मैं भी जाऊँ यहाँ इसी तरह रैप करूँ और दुनिया हाँ, को दिखाऊँ हाँ. तो ये अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी सब कुछ हो गया पता भी नहीं चला लेकिन लोग बोलते हैं ये मतलब इसने कुछ किया नहीं है मतलब या तो ये इसकी इसका नसीब है इसलिए यहाँ तक आई है तो जब तक मेहनत आप नहीं करते हैं आप कुछ कुछ ऐसी आपकी मतलब ऐसे ख्वाहिशात होते हैं आपको वो दबा के रखने पड़ते हैं तो अभी मैं यहाँ तक आई हूँ तब तो मैंने अपनी बहुत सी ख्वाहिशें दबाई हैं शौक़ शौक़ के खातिर तो मैं सोचती कि पहले मतलब पहले वो चीज़ नहीं थी मतलब आप समझ रही है ना कि मैं जो कहना चाह रही हूँ हाँ। उसमें मैं ज्यादा लिखती हूँ तो मेरा ज्यादा हाँ। लिखने में ज्यादा तफसी हाँ। से बताती हूँ हाँ। तो अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं ये मतलब दुनिया जानती है मुझे और खुशी होती है लेकिन पुरानी बातें मैं बहुत कम सोचती हूँ लेकिन वो होता है ना कि अभी आप अच्छे अच्छे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो आपको बार बार वो फील आती है बुरे वक्त को आप सोचते हैं बार बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि यार अगर मैं कुछ करती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ कि पहले यार ऐसा था पहले मैं ये ऐसा नहीं कर सकती थी लेकिन अब मैं करती हूँ जिसके अभी पहले मैं स्टील के गलास में पानी पीती थी अभी मैं जब शीशे के ग्लास में पानी पीती हूँ मैं सोचती हूँ पहले तो मैं स्टील के गलास में पानी पीती थी एक मिसाल दे रही हूँ तो मैं ज़्यादातर मतलब अच्छे वक्त से अगर जा रही हूँ तो मुझे अपना वो वाला वक्त बहुत याद आता है आपको मतलब थोड़ा सा वैसे तो आपकी कहानी पढ़ी है सबने और जानते हैं और आपने इंटरव्यूज़ में बताया है लेकिन थोड़ा सा इसको करते हैं आपने रैप शुरू किया स्कूल के टाइम से बहुत ही छोटी उम्र से और उसके बाद करते करते और आपके घर से आपको प्रेशर आया कि ये नहीं करना, नहीं, नहीं, करना नहीं करना आपके भाई से आपको प्रेशर आया कि नहीं करना तो फिर आपने निकाब करना शुरू किया ये उन्होंने आपको कहा कि जी मेरे भाई ने ही बोला था कि आपकी शकल कोई देखे ना <laughs> मतलब होता है ना कि मतलब वो बो, बोल बोलेंगे कि ये मतलब की बहन है और ये गाने गा रही है उसने बोला यार तुम अपना ये जो शक्ल है ना छुपा के रखना तो मैंने छोटी मोटी वीडियोस बनाई फेसबुक पे डाली फ्री स्टाइल्स किए तो वहाँ से लोगों ने मुझे देखा और पसंद किया और फिर मेरी एक पहचान बन गई ये नकाब तो बस ये भाई ने कभी सोचा नहीं होगा कि दुनिया देखेगी <laughs> उसने उसने कभी नहीं सोचा था और मुझे बोलता था कि ये फालतू चीज है मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है बिला वजह तुम हाँ। करती हो और हमारी इन बातों पे लड़ाई भी बहुत होती थी तो बस तो आपने जब लिखना शुरू किया उस वक्त और आप लियारी में रहते हैं जो कि बीस साल पहले तो बहुत खतरनाक जगह मानी जाती थी अब हालात वहाँ बेहतर है लेकिन फिर भी कल्चर और आर्ट वहाँ पे बहुत है

हर कोई मतलब जुनून में आया उसने बोला मैं खुद को ऐसा करके दिखाऊंगा मैं मैं खुद को वैसा बन के दिखाऊँगी तो एक दरसा था मैं खुद भी रैप करती थी तो एक डर सा था ना कि यार मेरे ऊपर कहीं कल कोई मसला ना आ जाए कि हालात ऐसे हैं कि ये लड़की क्यों इस तरह की बातें अपने रैप अपने जो रैप वगैरह में लिखती हैं तो लेकिन मेरे साथ जितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह थी तो वो जो है कोई फुटबॉलर थी कोई पेंटर थी तो वो भी थोड़ा सा मतलब झिझकती थी कि हम अगर, अगर अपना ये इस, अपनी अपना काम सोशल मीडिया में दिखाएं तो ऐसा ना हो कि हम पे कोई मसला आ जाए लेकिन जब ये हालात ठीक हुए वो जो टैलेंट निकला ना उसने सबको मतलब बूम मतलब बैंग सब फट गया मतलब सब सबका दिल फट गया कि मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी मैं वो करूंगा एक जज्बा आया।, आया उनके अंदर तो इसी तरह लियारी का नाम गैंगस्टर से हट के आर्ट का नाम कहला गया कहलाया गया तो बस मैं मैंने लेकिन जो चीजें अपनी बचपन में देखी और अभी भी हैं अभी ऐसा नहीं कि अभी गैंगवारी खत्म है कुछ और और मसले मसाइल बहुत हैं लियारी में कराची में पूरे पाकिस्तान में तो अभी भी जो मैं देखती हूँ वो लिखती हूँ वैसा ही है जो पहले भी ऐसा ही था मैं जो दिखती थी वो लिखती थी अगर आपको लियारी से निकाला जाए कि आप कहीं और रहे जाके तो आपको क्या ख्याल है कि आप क्या लिखोगे लिख पाओगे नहीं होगा मुझसे बिल्कुल हो मैं मैं अभी हम मैं बोल रही हूं ना कि हम लोग सिर्फ आठ महीने के लिए थोड़ा सा अपने इलाके से बाहर गए थोड़ा सा तो हम पागल हो गए थे तीनों माह तीनों वहाँ बच्चे हम लोग पागल हो गए थे हाँ। नहीं हो रहा भाई हमें हमारे हमारे फिर से दोबारा अपने पुराने घर में में जाना है है कोई कशिश इलाके बस हाँ। मैं क्या हमसे नहीं होगा हम यहाँ देखते हैं ना सन्नाटा है तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता वहाँ हाँ। हाँ बच्चों का शोर है हाँ। और औरतों की बातें है पड़ोसियां आती जाती है मतलब एक शुगल सा माहौल लगा रहता है तो हमसे बिल्कुल नहीं होगा लियारी वाले यहाँ रह नहीं सकते मैं मैं नहीं मानती की कोई अलग जगह पे रह नहीं रह सकता जी बिल्कुल नहीं रह सकता बाहर से जब हम लियारी के अंदर देखते हैं और जो हमें एक व्यू आउटसाइडर का मिलता है वो यही है कि गैंग वॉर्स भी थे और यू नो नार्कोटिक्स और ड्रग्स और वायलेंस और ये सब कुछ बिल्कुल उस जगह में एंट्रेंच था लेकिन उसके साथ साथ आर्ट और कल्चर भी बहुत ज्यादा था वॉल की पेंटिंग्स हैं ग्रफिटी आर्ट है आर्टिस्ट हैं म्यूजिशन हैं बॉक्सर्स हैं फुटबॉल पे इतनी सीरीज डॉक्यूमेंट्रीज बनी न्यारी में रह के आपको बाहर का कैसा लगता है बाहर आ, का मतलब मतलब लियारी से बाहर का जो इलाका है बिकॉज बहुत फर्क है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फर्क, है ऐसा लगता है कि वो अलग एक मुल्क है और ये अलग एक मुल्क बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल कल्चरली हम लोग डिफरेंट हैं ठीक है और एक्सेंट हमारा अलग है बिल्कुल हमारे मतलब सोचने का स्टाइल थोड़ा अलग है तो बहुत डिफरेंट है मैं अभी पहले तो मैंने लियारी से बाहर बहुत कम जगह देखी क्योंकि हम लोग आते जाते नहीं थे नहीं। कहीं पे तो अभी ये जो म्यूजिक की वजह से मैं यहाँ जाती हूँ वहाँ जाती हूँ जिसके लाहौर हो गया मतलब तो कराची से ही बाहर या तो लियारी से बाहर कोई डिफेंस का ही एरिया हो गया या कोई भी एरिया हो गया मुझे लगता है कि मतलब मैं सोचती हूँ यार ये ऐसे सन्नाटे में कैसे जिंदगी बसर करते हैं मुझसे तो बिल्कुल ना हो नहीं होता हाँ। जब तक मैं दो बच्चों को बातें ना सुनाऊ कि बेटा शोर नहीं करो मेरी नींद खराब हो रही है हाँ। तब तक मुझे मजा नहीं आता <laughs> तो बस मैं मैं ये देखती हूँ मतलब मैं सोचती हूँ ये बहुत ही सन्नाटा है मैं नहीं रह सकती नहीं रह सकती पहले भी आप गाने आपने रैप किया और आपका Spotify पे तो खैर सारा म्यूजिक है और बहुत अच्छे ट्रैक्स थे जो कि बड़े मखूल हुए बड़े पॉपुलर हुए आपने कोलैबोरेशंस भी की और um, कोक्स योर कैसे कैसे हुआ ये ब्रेक थ्रू था ना आपके लिए ये बिल्कुल एक वो ना होता है कि डीजा वो हो गया मेरे साथ लेजा हाँ। वो हो गया तो मैं बैठी हुई थी सोच मैं कुछ लिखूं मतलब कोई नया गाना बनाऊं तो अचानक से मुझे कॉल आई अब मैं मुझे कॉल आई तो नए नंबर से थी तो मैंने कॉल उठाई तो उन्होंने बो, बोला कि एक एक आदमी की आवाज़ थी तो उन्होंने बोला बेटा आप ईवा बात रही हैं तो मैंने कहा जी सर आप उन्होंने बोला मैं जुल्फ़ी बात कर रहा हूँ तो अ, मेरे जहन नहीं गए कि मतलब इतने बड़े प्रोड्यूसर हाँ, मुझे हाँ. कॉल करेंगे तो बस उन्होंने बोला कि आ, आप उन्होंने बोला कि मैं ये ये वाले जुल्फी बात कर रहा हूँ <laughs> तो मैंने कहा अच्छा तो आप हैं मुझे लगा नेफे बेसमेंट का कुछ प्रोजेक्ट होगा उन्होंने बोला आप मैं ना कुक स्टूडियो कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करें कि आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी तो मैंने कहा यार जुल्फी भाई कौन नहीं करना चाहेगा कुक स्टूडियो में, में मेरा सपना था कि मैं भी मतलब दूसरे आर्टिस्ट्स की तरह कुक स्टूडियो में जाऊं परफॉर्म करूं तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ फिर उनकी कॉल आई उन्होंने मुझे समझाया कि आपका केफी खलील के साथ गाना है और आपको इसमें रैप करना है बलूची में तो मुझे मतलब बीट्स वगैरह भेजी और मुझे बोला कि आप लिख के बताएं तो मैं इतनी एक्साइटेड थी मैंने वो डेमो सुना पंद्रह मिनट में उसको उनको लिख के डेमो बना के भेज दिया कमाल। हाँ तो उन्होंने बोला यार आपने मतलब इतना अच्छा उसको परफॉर्म किया है तो आप मैं बार बार सुन रहा हूँ आपका फ्लो मैं बार बार सुन रहा हूँ तो बस उसके बाद फिर हम लोग लाहौर गए रिहर्सल्स वगैरह हुए फिर कराची में वीडियो रिकॉर्डिंग हुई तो बस इस तरह हो गया सब कुछ और सोचा था कि इतना होगा। मैंने बिल्कुल मुझे लगा हम एक तो हम नए आर्टिस्ट हैं तीनों कोक स्टूडियो जो हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाद मैंने फिर ये सोचा कि बलोची लैंग्वेज है hmm. पता नहीं लोग सुन hmm. क्योंकि वो सब कोई समझता नहीं है तो सुनता नहीं है hmm. लेकिन ये एक ऐसा हुआ ना जैसे कि हमारा डेस्क सीट तो वाला सिस्टम हुआ जैसे वो समझ तो किसी को नहीं है लेकिन उसको एंजॉय सबने किया क्योंकि रिदम है ना एक, रिदम अपनी है, है। <laughs> तो इसमें भी एक ऐसा ग्रूफ था ये सब मतलब सबको मजा आया सब शादियों में बचता है तो मैं इतना खुश होती हूँ हाँ. शादियों में बचता है वो नहीं जा मैं जिस शादी में जाती हूँ उधर लड़के डांस करते हैं तो सारे तालियां वगैरह शोर वगैरह करते हैं तो मैं सोचती हूँ उनको ये नहीं पता यार ईवा यहाँ बैठी हुई और ये इस गाने पर डांस पहचानता ही नहीं, <laughs> कोई ही नहीं।, हाँ. नहीं है